अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे वीवो के लेटेस्ट मॉडल Y100 की। ये पाकिस्तान में मई 2024 में लेटेस्ट मॉडल आया है और इस वक्त का ये बहुत कमाल का मॉडल है। ये अपनी 6 खूबियों के साथ उन्होंने लॉन्च की है और बहुत ही अच्छी प्राइस में, और काफ़ी इसमें इन्होंने फंक्शंस दिए हैं जो कि ये पहले काफ़ी अपनी हाई एंड डिवाइस में दे रहे थे। उन्होंने अपने ये मिड रेंज फ़ोन में, अपने मिड रेंज मॉडल में वो तमाम ऑप्शंस दे दिए हैं और इसकी प्राइस बड़ी अच्छी रखी है। तो आइए फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि फ़ोन कैसा है, आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं आपको इसके सारी वीडियो में ये चीज़ बताऊँगा और ये अपने एक बड़े ही मुनफरिद एक अपने ऑप्शन के साथ ये फ़ोन आया है, वो ऑप्शन भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा और मैं आपको इस वीडियो में तमाम आपको क्लियर रिव्यू दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बॉक्स को देखते हैं, बॉक्स कैसे निकाला है। बॉक्स की शेप कुछ इस तरह से है कि उन्होंने वाई की जो लोगो है, वीवो वाई लोगो इन्होंने ऊपर दिया है। साइड वैसे ही जैसे पुराना इनका बॉक्स, इनका Y03 का भी लास्ट टाइम आया है, Y03 पहले से पहले लॉन्च किया इन्होंने। बैक पर थोड़ी सी चीज़ें मेंशन है, इसकी बैटरी मेंशन है, साइज मेंशन है, इसके बाद इसकी थोड़ी रैम के बारे में बताया है, लेफ्ट साइड कुछ इस तरह से है। आइए फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं फ़ोन कैसा है। ये इसका बॉक्स ओपन हो गया, ये इसके ये बॉक्स आ गया जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि फोन बॉक्स में क्या क्या चीजें अवेलेबल है। सबसे पहले तो ये स्टिकर निकलता है साथ इसके, इसके बाद इसका एक सॉफ्ट सा सिलिकॉन पाउच साथ है जो कि अभी अगर आप लेटेस्ट अगर जैसे ही मॉडल आता है आप लोगों को नहीं मिलता है, वो आपको काफी महंगा देते हैं दुकानदार, तो ये आप लोगों के लिए फ्री है। साथ कम से कम 500 तक आपको लेटेस्ट मॉडल का आपको ऐसा पाउच मिलता है। और अपने फ़ोन को आप अगर अच्छे कलर्स में लिया करें तो मेरा आपको एडवाइस है कि आप ये वाइट कलर का सिलिकॉन पाउच लगाया करें, क्योंकि आप इतने पैसे खर्चते हैं फ़ोन के कलर के लिए तो लाजमी आप ये वाला पाउच लिया करें। इसके बाद कुछ इसके बुकलेट्स हैं, कुछ इसके वारंटी कार्ड्स हैं फ़ोन के साथ। जो इसमें सबसे पहले जो मेन पहली ऑप्शन है जो 6 चीज़ों में से, वो इसका है चार्जर जो कि 80 वाट का फास्ट चार्जर आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त और बड़ा हैवी चार्जर है, USB चार्जर है। आप ये देखें 80 वाट का उन्होंने फास्ट चार्जर साथ दिया है, फ्लैश चार्जर जो कि ये कहते हैं कि अपना 45% सिर्फ 15 मिनट में, अगर आपने कहीं जाना है तो सिर्फ 15 मिनट आपको चाहिए और ये आपका हाफ फोन चार्ज कर देगा। 80 वॉट का चार्जर साथ है और इसके साथ इसकी USB केबल है जो कि टाइप सी केबल साथ है, इसके USB केबल टाइप सी केबल साथ है। एक साथ इसके पिन है, एक अदर पिन आ रही है। आइए फोन को देखते हैं कि फ़ोन कैसा है, फ़ोन को अनबॉक्स कर लेते हैं। फोन की लुक उन्होंने बहुत अच्छी दी है, ये देखें फोन इनका बहुत प्यारी ऑप्शन लुक के साथ है। इसको मैं ऑन भी कर लेता हूं, ये देखें ये 2 कलर्स में फोन अवेलेबल है। एक इसका ब्लैक कलर है जिसको ये ब्लैक कलर कहते हैं, ये इसका डार्क ब्लू कलर है। ये आप कलर देखें, बड़ा प्यारा कलर है। इसमें ये प्लास्टिक बैक है, प्लास्टिक फ्रेम है, फ्रंट इसका ग्लास है, पीछे इसके जो डिज़ाइन दिया गया है आप ये देखें, क्रिस्टल डिज़ाइन है इसके अंदर, वीवो का लोगो दिया गया है और ये बिल्कुल प्लेन में आया था, ये इसमें ये बिल्कुल प्लेन है यहाँ पे। और ये ग्लिटर टाइप इसकी बैक है, बैक पे इसके 3 लेंस दिए गए हैं गोल्डन रिंग के साथ आप देखें, और ये इसकी LED फ्लैश लाइट है। मैंने आपके लिए दूसरा कलर भी आप लोगों के लिए रखा हुआ है, ये देखें
ये इसका ब्लू है और ये इसका ग्रीन कलर है। ये देखें, ग्रीन और ब्लू दोनों अवेलेबल है मेरे पास, आपको दोनों दिखा रहा हूँ। ये भी इसका बिल्कुल शाइनी सा स्मूथी सा बड़ा कलर है, फोन है। इसके अंदर ये लाइनिंग है, ब्लेड लाइनिंग लाइनिंग्स है ये भी, और इसके अंदर यहाँ पे इसको, ये भी इसका यहाँ पे मेंशन है, वीवो का लोगो इसमें मेंशन है। तीन इसमें लेंस दिए गए हैं, फ्लैश लाइट, दोनों कलर्स उन्होंने बहुत अच्छे निकाले हैं, दोनों कलर्स अपनी जगह, दोनों कलर बहुत अच्छे हैं। अब ये देखें, ये ग्रीन है और ये ब्लू है, दोनों कलर बहुत अच्छे हैं। आप दोनों में से कोई भी खरीदें, दोनों की लुक अपनी जगह बहुत अच्छी है। Vivo Y100, इसके बाद साइड लुक किस इस तरह से है, टोटल फ्लैट है साइड लुक। साइड पे इसका पावर बटन है, वॉल्यूम कीज है इसके साइड पे, राइट साइड पे। नीचे इसका चार्जिंग जैक दिया गया है जो कि USB चार्जिंग जैक है, और इसका एक स्पीकर है नीचे, और नीचे इसकी सिम ट्रे है। ड्यूल सिम ये फोन है, 4G फोन है, विद मेमोरी कार्ड स्लॉट है एक्सटर्नल। लेफ्ट साइड उन्होंने बिल्कुल खाली रखी है, कुछ नहीं है लेफ्ट साइड पे, ये आप देख सकते हैं। बड़ी प्यारी इसकी साइड लुक है आपकी, ये देखें, बड़ी शाइनी सी इसकी साइड लुक है। कॉर्नर इसके राउंड है। आइए इसको एक्टिव करते हैं और देखते हैं फोन कैसा है। इस वक्त इस फोन ने दुबई में चाहिए हुई है मार्केट में, क्योंकि ये अपनी काफ़ी ऑप्शंस के साथ और काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव प्राइस के साथ पाकिस्तान में ये 60,000 का अवेलेबल है। 8GB 256GB फ़ोन है, 8GB रैम और 256GB रोम के साथ बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। इसमें जो बाकी ऑप्शंस हैं वो मैं आपको साथ साथ बताते चलता हूँ। इसमें तीन तरह के लॉक्स हैं, स्क्रीन लॉक है, फिंगरप्रिंट लॉक है, फेस अनलॉक है। इसमें इन्होंने वीवो वालों ने बड़े अरसे के बाद जो फिंगरप्रिंट लॉक दी है इतने कम पैसों में, 60,000 के अंदर उन्होंने इन स्क्रीन दे दी है। पहले ये अपने हाई एंड डिवाइस जो थी, इनके हाई डिवाइसेस थी उनके अंदर दे रहे थे ये इन स्क्रीन, तो अब ये फिर से इन्होंने इन स्क्रीन के अंदर दे दिया। लेफ्ट फिंगरप्रिंट नहीं है, राइट साइड पर इन स्क्रीन के अंदर है। उसके बाद ये एक और ऑप्शन जो ये है कि ये अपनी दोबारा से जो छोटी डिवाइस है, मिड रेंज डिवाइस है, इसके अंदर ये इन्होंने ये पंच होल इन्होंने डिस्प्ले दी है। बैक कैमरा जो इसका वो 50 मेगापिक्सल है और फ्रंट कैमरा इसका 8 मेगापिक्सल है। बड़े अच्छे कैमरे के साथ, अच्छी लुक के साथ, बहुत अच्छी प्राइस के साथ ये फ़ोन है। फिर इसके बाद जो इनके मिड रेंज में जो इसकी जो एक और खासियत है, एमोलेड डिस्प्ले है। ये IPS LCD नहीं है, AMOLED LCD है। AMOLED LCD के साथ इस प्राइस के साथ बेस्ट है। आपका 80W का चार्जर आ गया। फिर एक बहुत बड़ी ऑप्शन इसकी साथ इसमें है, जो इसकी चिपसेट है वो स्नैपड्रैगन यूज़ की गई है। आप ये देखें कि अंडर 60,000 आप लोगों को कितनी ऑप्शंस इस वक्त मिल रही हैं इस फ़ोन के अंदर। 80W का फास्ट चार्जर, स्नैपड्रैगन, और उसके बाद 8GB 256GB फ़ोन है। इन स्क्रीन इसका फिंगरप्रिंट लॉक है आप, और इसके अलावा आपकी जो फंक्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, प्राइस बड़ी अच्छी है। फिर अभी आपको मैं इस जो ग्रीन कलर है इसमें एक और ऑप्शन है आपको ग्रीन कलर में है, वो भी मैं आपको दूंगा। मैजिक बैग के साथ है ये जो ग्रीन कलर है, ये इसमें एक मैजिक है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। कलर चेंजिंग मैजिक है इसके अंदर। इसके बाद ये फ़ोन अगर देखा जाए तो ये देखें, इसकी 256GB रोम है, 6.67 इंच इसका डिस्प्ले साइज है, एमोलेड डिस्प्ले है, 186 ग्राम फोन का वेट है। इतना फोन का वेट नहीं है, बड़े कम वेट के साथ बड़ा अच्छा फोन है। 5000 mAh की बैटरी है, एंड्रॉयड 14 है इसके अंदर। इसके अलावा मैं आपको इसकी रैम रोम दिखाई है, मैं आपको इसकी बाकी ऑप्शन दिखाता हूँ। ये देखें,
स्क्रीन मिरर की ऑप्शन मौजूद है। इसके बाद इसका कैलकुलेटर है, टॉर्च है, बड़ी पावरफुल टॉर्च है इसके अंदर, ये देखें बड़ी ऑप्शंस के साथ इसके अंदर। यहीं पे इन्होंने ऑप्शन दे दी है इसकी ऑन ऑफ की, ये सेटिंग में आ गए। फ़ोन क्लोन की ऑप्शन मौजूद है, अगर आपने कोई फ़ोन टू फ़ोन अपनी करनी है, अपने सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह चीज़ें करनी है तो हो जाएंगी। ये अबाउट में है, 8+8 रैम लिखी हुई है, लेकिन ये 8+8 नहीं है, 8 GB रैम है। एंड्रॉयड 14 है, 2.8 GB ऑक्टा कोर प्रोसेसर है इसका, स्नैपड्रैगन 685 यूज़ किया गया है, 4G मोबाइल है। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ये इतने पैसों में आप लोगों की इसमें पबजी आपकी गेम्स बड़ी अच्छी चलेंगी, ये फ़ोन बिल्कुल भी लैक नहीं होगा, आपको बिल्कुल भी आपका ये हीटअप नहीं होगा फ़ोन। काफ़ी फ़ोन जो है वो हीटअप हो जाते हैं, लैक करना शुरू कर देते हैं, ये ना लैक करेगा और ना हीटअप होगा, बड़ी अच्छी गेम चलेंगी। आइए इसका साउंड सुनते हैं, साउंड कैसा है। बड़े अच्छे साउंड के साथ है, बड़े अच्छे साउंड स्पीकर के साथ है। ये इसकी रिंगटोन आ गई, बहुत अच्छी रिंगटोन के साथ है, बहुत अच्छी स्टीरियो है इसका। आइए इसका कैमरा देखते हैं कि कैमरा कैसा है। ये देखें 50 MP इसका बैक कैमरा है, और ये 10x जूम तक जाता है, देखें कैसा जबरदस्त जूम कर रहा है। फोन का जो नीचे फोन पड़ा है उसका टोटल ग्लिटर ड्राइव आपको दिखा रहा है, ये देखें 10x जूम तक ये जाता है फोन। पोर्ट्रेट मोड है इसमें, नाइट मोड है, और इसके अलावा इसमें फ़ोटो वीडियो मोर की ऑप्शंस में काफ़ी ऑप्शन मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको इसकी पिक्चर लेके दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें फ़ोन कितनी अच्छी 50 MP कैमरे का आप रिज़ल्ट देखें, कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, इसने बिल्कुल भी अपने पिक्सल ख़राब नहीं किए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। 50 MP है विद LED फ्लैश लाइट है, और इसके अलावा आपका जो फ्रंट है वो भी 8 MP है, वो भी इतना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा कैमरा है, बहुत अच्छा फ़ोन है जी। अब मैं आपको इस फ़ोन के दूसरे कलर की आपको एक मैं ऑप्शन बताता हूँ जो चेंजिंग कलर करता है। आपका ये फ़ोन है और इस पर आप अगर धूप में जाते हैं तो आप इसको कोई भी चीज़ ऊपर रखते हैं, उंगली रखते हैं, कोई चीज़, जैसे मैं आपको भी ये अपनी एक पेंसिल रख के दिखाता हूँ, और इसके ऊपर मैं अगर यूवी लाइट, अगर अभी क्योंकि अभी मैं लाइट धूप में नहीं गया, अगर इसको हम यहीं पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये मैं लाइट कोई भी डालता हूँ इस पर, ये यूवी लाइट है मेरे पास, ये मैं अगर डालता हूँ तो आपका ये फ़ोन कलर चेंज करेगा। ये देखें ऊपर पेंसिल बनी आ गई है, पेंसिल वगैरह आप कुछ भी, और ये तो सिर्फ पेंसिल है, जैसे आप ये मैं अगर अपनी कोई भी जैसे ये चार्जर रख देता हूँ ऊपर, आप ये देखें ये चार्जर मैंने ऊपर रख दिया, और मैं इसको अगर धूप में आप लोग करते हैं, मेरे पास तो यूवी लाइट है, आप यूवी लाइट भी कर सकते हैं, अगर आप धूप में रखते हैं तो ये इस तरह टोटल, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ, जैसे ये उंगली रखी मैंने और ये इसको यूवी लाइट से किया, और यहाँ पे ये फिंगर बनी आ गई। इसमें आप कोई भी चीज़ अगर रखते हैं तो ये थोड़ी देर के लिए अपना कलर चेंज कर देगी, ये देखें आप इस पे ये बन गई है, ये पेंसिल बन गई है, पत्ता रख दें, कोई भी चीज़ रख दें आप धूप में, तो ये कोई भी चीज़ रख दें, अगर आप धूप में ऐसे लेके जाते हैं, कोई ऐसे उंगली रखते हैं, कोई भी चीज़ रखते हैं, तो ये थोड़ी देर के लिए अपना कलर चेंज कर देगी। दोनों फ़ोन बहुत अच्छे हैं जी,
दोनों ये फ़ोन बहुत अच्छे हैं, दोनों कलर बहुत अच्छे हैं, इन दोनों में से आप कोई भी खरीदें, और बहुत ही अच्छी प्राइस के साथ। मैंने आपको बताया इस पे 5-6 ऑप्शन जो है वो वीवो ने बहुत अच्छी दी है। 60,000 पाकिस्तानी प्राइस है, 60,000। इसमें 80 वाट का चार्जर, स्नैपड्रैगन एमोलेड स्क्रीन, इन स्क्रीन फिंगर डिस्प्ले, और इसकी प्राइस, ये फ़ोन बहुत अच्छा है जी। इतने प्राइस में आपको 8 GB, 256 GB और कोई भी फ़ोन नहीं लेना चाहिए। ये बेस्ट फ़ोन है, लाजमी फ़ोन खरीदे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। कोई क्वेश्चन हो, कोई कोई भी आपने मैसेज करना हो तो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी मौजूद है, मुझे आप मैसेज करिए, आपको जवाब लाजमी दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।